नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब पंजाब में भी नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का डंका। 8 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। कई सीटों पर आ रहे रुझानों में भी बीजेपी आगे। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का सरकार पर हमला। नोटबंदी के मुद्दे पर फेसबुक पर किया पोस्ट। सरकार खुद को सही साबित करने के लिए कब तक करेगी प्रयोग। लोगों के दुख से होता है दुख। आज से 30 दिसंबर तक बैंकों में सिर्फ एक बार ही जमा कराई जा सकेगी 5,000 से ज्यादा की रकम। बैंक कर्मी अब पूछताछ के बाद ही जमा करेंगे पैसे। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के घर आईटी का छापा। 2,67,00,000 रुपए बरामद। जब्त नोटों में 17,00,000 की नई करेंसी। तुर्की की राजधानी अंकारा में रूसी राजदूत आंद्रेई कार्लोव की गोली मारकर हत्या। हमलावर ने कहा, अलेप्पो का बदला लिया। सुरक्षा बलों ने हमलावर को किया ढेर। बर्लिन में क्रिसमस से पहले पसरा मातम। बाजार में एक शख्स ने दौड़ाई लॉरी। 12 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। ड्राइवर को सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा। और सर्दी से कांपा उत्तर भारत। कोहरे के चलते 34 ट्रेनें लेट। हवाई उड़ानों पर भी असर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।